समझ आ रहा था कि उस जमाने में चला गया जिस जमाने में एकलव्य था, द्रोणाचार्य या कौरव पांडव। व्यवस्था ये कि जो सवाल बार बार ये ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों, ये जो सवाल लिखा उसके बाद में मैं भी भाव विभोर हो गया कि इसका एंड किसी सवाल से हुआ। उनका जो नाट्य मंचन में एकलव्य का जो रूप था वो काफ़ी प्रभावशाली था, द्रोणाचार्य का जो बोलने की शैली थी ओजस्वी थी, जैसे उसके भाव थे उस प्रकार से उसके शब्द थे, काफ़ी अच्छा लगा, प्रभावशाली लगा। एकलव्य वो चीज़ थी उस जमाने में, कर खुदी को इतना बुलंद कर तकदीर लिखने वाला खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन उस समय की नज़ाकत थी कि एकलव्य को कौन पहचाने, इस सवाल का जवाब कौन दे, उस समय की व्यवस्था थी। और मैं ये कहता हूँ कि इस सवाल का जवाब इस डायलॉग में है, मानव के जीते सपनों में, मानव के जीते सपनों में अगर आग लगाई जाती है, बांसुरी रख दी जाती है, तलवार उठाई जाती है, बांसुरी रख दी जाती है, तलवार उठाई जाती है। साथियों, कहीं भी अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है तो उसका प्रतिकार करना ज़रूरी होता है, तभी इस सवाल का जवाब अपने को मिलेगा, नहीं तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तरीके से सफल हैं और गुरु द्रोण सारी प्रतिभाएं सब नवोदित हैं, कोई इनमें स्थापित कलाकार नहीं है जिसने नहीं कर सकता है। क्या मैं आपके गुरु का नाम जानने का अनुरोध कर सकता हूँ?
मैं पांडव कुमार अर्जुन गुरु द्रोण का शिष्य हूँ, लेकिन तुम कौन हो युवक? धनुपुत्र एकलव्य हूँ और आपके गुरु का शिष्य बनने की इच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे कुमार, आपके गुरु द्रोण का मैं शिष्य बन सकूँ, ऐसा कोई मार्गदर्शन भी करे? धनुपुत्र, तुम गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करोगे, अपने कुल कुलांतरों के बारे में कभी सुना नहीं? मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर, हमने देख लिया, रहा ठीक है, हटा दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो अब? इस सवाल का जवाब ढूंढो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? समाज क्या कर रहा है? वर्तमान व्यवस्था क्या कर रही है? हमने कह दिया व्यवस्था तो खराब है, बस हो जाए जाकर के। नहीं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। और जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। कोई नहीं बदलेगा हमको आके। जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया, अब हमारी बारी है कि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। बहुत जरूरी है। मैं गुरु द्रोण से कैसे मुलाकात कर सकूंगा? उनका शिष्य कैसे बन सकूंगा? मेरे मन में उठ रहे इन सभी हॉल को पिताजी ही शांत कर सकते हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। अंधकार होने से पहले मुझे उनसे मुलाकात करनी चाहिए। संध्या का प्रणाम ग्रहण करें पिता। आज जंगल में पांडव कुमार अर्जुन मिले, मैं उनकी धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपनी धनुर्विद्या को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी के गुरु द्रोण से आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी सहायता करें पिता। एकलव्य, जिस गुरु से तुम आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, वो केवल गुरुवंशों को ही शिक्षा देते हैं। तुम्हारे लिए आगे की शिक्षा हेतु समुदाय के किसी दूसरे गुरु से बात करेंगे। मैं गुरु द्रोण का ही शिष्य बन सकूं, ऐसा कोई मार्गदर्शन करे और मुझे एक निपुण धनुर्धर बनने में सहायता करे। असंभव जिद मत करो, निष्फल हो गए यह जिद, और तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है। वो तुम्हें अपना शिष्य कभी भी नहीं बनाएंगे, वो केवल कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देंगे। महाभारत में एक सीन था जिसमें एकलव्य और द्रोण का पूरा दिखाया गया था, लेकिन मैं आज आप सबको ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम जब मैंने वो मंचन देखा और आज ये मंचन देखा तो उससे बेटर मेरे को आज का मंचन लगा। ये इनके हुनर की बात है। इसके अलावा जो मैसेज इन लोगों ने हम लोगों को दिया है, उस मैसेज को हमको आत्मसात करना है। सुमन साहब की बात बिल्कुल सही है कि अमली जामा कैसे पहनाया जाए। पता सबको है कि हाँ ये परेशानी है, ये नाइंसाफी है, ये वंचित कर दिया गया, लेकिन उस नाइंसाफी को कैसे दूर किया जाए। बदलने जिंदगी का सोच रहा है।
बहुत पहले थी और आज भी है, लेकिन इसका रूप बदला हुआ है। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हम सबको बराबरी का दर्जा देकर के एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमारे सुमन साहब ने कहा कि इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो वहाँ जा ही नहीं सके, मना करने की नौबत ही नहीं आए, वो व्यवस्था रुकनी चाहिए। इस तरह के सरकारी प्रयास भी होने चाहिए और सामाजिक रूप से भी ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैं तुम लोगों की गेंद निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके बदले इस ब्राह्मण को राजभोज चाहिए। ऋषिवर, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको राजभोज ही नहीं, हम हस्तिनापुर में पिता मैसे के घर आपकी नियुक्ति करने का आग्रह भी करेंगे। तो जाओ, जंगल से नुकीली और मजबूत घास इकट्ठी की जाए। चतुर्विध लक्ष्य जानकर, गतिशील को स्थिर मानकर, चतुर्विध लक्ष्य जानकर, गतिशील को स्थिर मानकर, साध लक्ष्य तन मन बुद्धि एकाकार कर, साध लक्ष्य त्रिविध बुद्धि तन मन साध कर, वेद लक्ष्य हो सफल हे अचूक धनुर्धर, वेद लक्ष्य हो सफल हे अचूक धनुर्धर, चतुर्विध लक्ष्य जानकर, गतिशील को स्थिर मानकर, साध लक्ष्य तन मन बुद्धि एकाकार कर, साध लक्ष्य त्रिविध बुद्धि तन मन साध कर। आज भी चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी भी मतलब कौम का हो, अगर वो गरीब है तो वो शूद्र की श्रेणी में आता है और उसके स्तर से शिक्षा को बहुत ऊंचा कर दिया गया है। वहाँ तक वो गरीब आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता और शिक्षा नहीं ले पाता। अरे कुआर में प्रवेश
धनुर्विद की आस लगाते हैं, नरक द्वार में प्रवेश करते हैं, धनुर्विद की आस लगाते हैं, धनुर्विद की आस लगाते हैं। दृष्टि है निर्देशक की कि ये जो हमारी व्यवस्था चली आ रही है, आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं तथा कथित, जैसा मुझे लगता है, इसके बावजूद वो जो हमारी रूढ़ियाँ, वो परंपराएं, वो अंधविश्वास की परंपराएं, वो मनवादी सामाजिक व्यवस्था, वो उस पौराणिक काल और मध्यकाल के सामंतवादी युग से लेकर आज आपके इस प्रजातंत्र में भी जहाँ की तहाँ है। एकलव्य के जने आचार्य शिष्य बनने के लिए गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। तुम्हारे धनुर्भ्यास ने राज अहम और ब्रह्म व्योम पर प्रहार किया है। ध्रुव बनने की तुम्हारी अपार लालसा, इस पारु में तुम्हें अंगूठा देना ही होगा। और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने एक घटना जरूर इतिहास में पढ़ी होगी कि सिविल जो सर्विसेज है उनमें उस समय इंटरव्यू के खिलाफ कुछ आवाज उठाई गई थी। आपको याद होगा इतिहास में, आप याद करें, सन 47 से पहले इंटरव्यू साक्षात्कार, और वो आवाज जो पढ़े लिखे लोग थे उस जमाने के, उन लोगों के द्वारा उठाई गई थी। और आज इंटरव्यू के खिलाफ दबा कुचला छात्र बोल रहा है, वो अनशन पर बैठा है, और हमारी जो सरकार है राज अहम में इतनी मशगूल है कि उनसे बातचीत तक नहीं कर पा रही है। क्यों? व्हाई? उस समय तो वो लोग इंटरव्यू के खिलाफ बोल रहे थे, और आज वो पिछड़े लोग इंटरव्यू के खिलाफ बोल रहे, जो उनसे बातें नहीं की जा रही, वो इन अनशन पर बैठे हुए, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। कि कैसा न्याय है हमारा, कैसी व्यवस्था है हमारी? कौन कहता है कि वो युग बीत गया, वो इतिहास बीत गया? आज ये हमारे दिलों पर बीत रही है, ये बीत रहे हमारे दिलों पे आज भी। और मैं जितने भी एकलव्य हैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो आगे आए, अपना बलिदान दे, बलिदान दे पर अंगूठा नहीं दे। या!
बात में जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी वो ये है कि शायद इतिहास में एकलव्य के साथ न्याय नहीं हुआ, सभी जानते हैं, लेकिन एक बात है कि राजकुमार जी जैसे गुरु के सानिध्य में इन सभी बच्चों के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि ये क्वालिटी इन बच्चों में है जो आपको उभारा, मतलब टोंक जैसी जगह पर जहाँ की रंगमंच और लाटे मंचन के नाम से कभी हम लोग सच पूछा जाए तो कभी हमारा परिचय ही नहीं था, सिर्फ सुनते थे, देखा नहीं। जब यहाँ देखा पहली बार, जब भी मैंने देखा ठाकुर का कुआं की प्रस्तुति बच्चों की देखी और आज दूसरी प्रस्तुति जब मैंने यहाँ देखी, तो एक शब्द जो हम बार बार कहते हैं नाटक, पता नहीं मेरा मन नहीं कहता कि हम इसे नाटक कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाटक में ऐसा लगा था जब हम देख रहे थे कि बिल्कुल हमारे सामने ही ये सब हो रहा है, बिल्कुल उस भूमिका में बच्चे लग रहे थे, काफ़ी अच्छा इनका। और राम रतन जी सर के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको देखकर बड़ा गर्व महसूस।